माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जो मुझे नए देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करना, अपनी हर की वीडियो शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाले टाइम में भी आप लोगों के साथ हर फायदेमंद, हर अच्छी मजेदार सी रेसिपी शेयर किया करूँ। किचन में बन रही है बड़ी मजेदार सी चिकन कबाब हांडी। आप इसको चिकन कढ़ाई कबाब भी कह सकते हैं, आप इसको चिकन कबाब वाला सालन भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगता है आप इसको वो बोल नाम दे दें। इससे पहले शर्त यह है कि वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, ठीक है। रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बड़ी ही मजेदार सी ये रेसिपी बनती है। आज जो है खाना, वो आज की जो रेसिपी है वो मैं नहीं बनाऊंगी, आज बनाएंगी अम्मी। साथ साथ हम सीखेंगे भी और आपको भी सिखाएंगे कि ये कैसे बनता है सालन। हम चलते हैं सीधा किचन में और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चिकन का कबाब का जो सालन है, सबसे पहले हमने बनाने हैं कबाब। तो उसके लिए चिकन का जो कीमा है मैंने लिया है 1.5 किलो, उसके अलावा एक प्याली जो है छोटी प्याली भर के लिया है बेसन, और जी ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने एक प्याली भर के, और 2 चाय के चम्मच जो है अदरक है कुटा हुआ, और जी 10 से 15 लहसुन के जवे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पीसनी हैं। मसाले जो हैं, प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, ये भी हमने पीसने हैं। चिकन पाउडर है 1 चाय का चम्मच, जीरा है 2 चाय का चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया है 3 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है 2 चाय के चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, हल्दी है 1 चाय का चम्मच, नमक है 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च मैंने ली है कटी हुई बारीक 2 से 3 अदद आप ले लें। तो ये सारे मसाले फर्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये सारे मसाले जो हैं और ये कीमा, इसको हमने पीस लेना है कूने डंडे में। तो कीमे के अंदर से स्मेल आती है कच्चे प्याज की और लहसुन की, तो उसको हमने कैसे ख़त्म करना है उसका ये तरीका है कि आपने फ्राई पैन में सबसे पहले ले लेना है थोड़ा सा ऑयल। हमने जो है इसमें ज़्यादा बारीक नहीं, मोटे मोटे से, ये देखिए प्याज के मैं, अच्छा मोटे मोटे से इसके जो है मैं पीस करके इसको हमने तेज आंच पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। और जो ये लहसुन है हमारे पास, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको हमने ऐसे जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे नहीं करना आपने, फुल तेज़ आंच करके भूलेगी। तो आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा भून लेना है 2 मिनट के लिए। आप इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे ना, फ्राई करके पीस लेंगे, तो आपकी जो लहसुन की और प्याज की जो स्मेल आती है कीमे के अंदर से कच्ची कच्ची सी, वो नहीं आएगी। तो बस इसको अभी मैं करूँगी 2 मिनट के लिए फ्राई, और उसके बाद इसको मैं पीस लूँगी। जो कीमा था उसमें सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई थी सारी हमने ऐड करके उसको अच्छे से हमने पीस लिया था। और जो आपने एक और चीज़ करनी है, जो बेसन था ना वो आपने उसको पहले हल्का सा भून लेना है, फिर हमने इस कीमे के अंदर ऐड करना है, ताकि जो स्मेल होती है ना बेसन की कच्ची वाली जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाती है। प्याज और लहसुन भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आपने तेज़ आँच पर उसको 2 मिनट के लिए फ्राई करके पीस लेना है, उससे भी जो है आपकी जो स्मेल आती है कीमे के अंदर कच्चे लहसुन की और प्याज की, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमने करना क्या है, इसके बना लेने हैं कबाब। मेरे पास यहाँ पे चॉपस्टिक है, आपको भी पेंसिल वगैरह यहाँ के पास अगर वो है दूसरी वाली स्टिक्स वो लेके आपने जो है ना बहुत नॉर्मल से साइज़ के जो है कबाब बनाने हैं, ज़्यादा बड़े वाले भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा हमने छोटे भी नहीं रखने हैं कबाब। इस तरह से आपने इसको जो है दबाते जाना है, ताकि जो इक्वल हमारे कबाब जो हैं सारे चारों तरफ से इक्वल हों, कहीं से बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हों पतले भी ना हों। ये देखें ये बन गया है कबाब, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। अच्छा जी, तो ये कबाब जो है सारे मैंने बना लिए हैं, और अब हमने क्या करना है, हमारा जो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो था इनको मिक्स करके पीस लिया, सेकंड स्टेप था इसको बनाना कबाब को। अब जो थर्ड स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने जो है इनको करना है फ्राई। यहाँ पे ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल अच्छी तरह पहले ऑयल को गर्म कर लेंगे, और फिर इसको हमने थोड़े थोड़े करके जो है कबाब हमने फ्राई करने हैं, एकदम से सारे नहीं डाल देने। के अंदर आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है, इसको हल्का हल्का सा हम टर्न करेंगे जब ये एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। जी, तो जब तक हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो रहे हैं, हम बना लेंगे इसका मसाला जो बाद में इसके अंदर ऐड होगा। मसाला बना के जिसमें हमें कबाब ऐड करने हैं वो मसाला हम बना लेंगे। तो मसाले में हमने क्या लिया है, मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, और हरी मिर्च लिए हैं। इन सब चीज़ों को मैं काट लूँगी। टमाटर प्याज जो है ये हमने बारीक बारीक लंबाई में काटनी है, तो ये सारी चीज़ें काट के, और जो हरी मिर्च है ये बारीक बारीक आपने काटनी है, ये सब चीज़ें जो हैं ये काट के फिर मैं आपको काटूँगी। तो हमने कबाब जो थे वो सारे फ्राई कर लिए हैं, इस तरह से आपने ब्राउन रखने हैं, गोल्डन ब्राउन।
हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है आपने, ताकि अंदर से जो है कच्चे ना रहे, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हमने क्या करना है, बना लेना है इसका मसाला। तो जो दो बड़े साइज़ के प्याज थे, इस तरह से आपने बारीक लंबाई में काट लेने हैं। और इसको जो है अभी नहीं करना, और साथ ही ज़रा 1 से 2 मिनट के लिए इसको जो है हमने कर लेना है फ्राई। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 मिनट प्याज फ्राई करने के बाद इसमें हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्च। अच्छा, और साथ ही हम टमाटर भी डाल देंगे इसमें। टमाटर भी जो है आपने इस तरह से लंबाई में काटने हैं, बारीक नहीं करने ज़्यादा, और इस तरह से लंबाई में आपने टमाटर काटने हैं। अच्छा, मसालों में हम ज़्यादा नहीं डालेंगे कुछ, क्योंकि जो कबाब के अंदर मसाले हमारे सारे पूरे थे। बस हमने इसमें डालनी है 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है कुटी हुई लाल मिर्च का, और 1/2 चाय का चम्मच हमने इसमें डाला है नमक। और हम इसमें डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, और बारीक कटी हुई अदरक जो है थोड़ी सी हम डालेंगे, और थोड़ी सी जो है वो रख देंगे साइड पे। मसाले को जो है आपने बस इतना सा ही फ्राई करना है, इसको हिलाना जुलाना नहीं है आपने ज़्यादा। प्याज को भी नहीं हमने मिक्स किया, टमाटर वगैरह भी नहीं इसको मिक्स किए, इसी तरह से जो चीज़ें हैं पड़ी रहने देनी है। और इसमें हमने साथ ही कबाब जो हैं वो ऐड कर देने हैं। कढ़ी कबाब तवा कबाब भी बोलते हैं, कढ़ाई कबाब भी बोलते हैं इसे, कढ़ाई कबाब भी बोलते हैं, और क्या कौन से कबाब, तवा कबाब भी बोलते हैं। ये रेसिपी अम्मी की है इजाद करदा, और ये बना भी इस टाइम अम्मी रही हैं, मैं बस बताई जा रही हूँ आपको कि कैसे कैसे बनानी है ये। तो ये आपने देखे तफसील से आपको एक एक चीज़ जो है बताई है, स्टेप बाय स्टेप के क्या करना है, पहले क्या करना है। इसको जो है ना, सबसे जो इसकी मेन चीज़ है ना, इसका मसाला आपने किस तरह से बनाना है, और जो इसको कबाब जो है इनको आपने हल्की आँच पर इनको फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आँच पर इसको फ्राई करेंगे तो ये कच्चे कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जो है वो ब्राउन हो जाएंगे, और अंदर से जो है ये रह जाएंगे कच्चे। तो आपने कबाब जो है हल्की आंच पे फ्राई करने हैं, तो ही जो आपके कबाब है वो थोड़े से टेस्टी बनेंगे। लास्ट पे जो है थोड़ा सा पानी का पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें। मैं जो बाकी की चीज़ें थी, हरी मिर्च और जो टमाटर थे बचे हुए और कटी हुई अदरक थी बारीक, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने ऐड करके इसको हमने दे देना है दम। के जो ये हमारे कबाब हैं ये तैयार हैं बिल्कुल गरम गरम। आप देख सकते हैं ये कितने देखने में ही टेस्टी लग रहे हैं, इतने ज़्यादा मज़े के ये कबाब होते हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है बनाना इसको। बस इसका जो हर चीज़ जो है आप लोगों ने स्टेप बाई स्टेप जो फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, यही टेस्ट आएगा। सेम चीज़ जो है आप लोग बीफ के और मटन के जो कबाब होते हैं, मटन का और बीफ का जो कीमा होता है उसके भी कबाब बना सकते हैं। चीज़ें जो आप लोगों को बताई हैं स्टेप बाई स्टेप, हर चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी है मसाले के अंदर, तो आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे भी नहीं। ब्रेड क्रम्स और बेसन डालने की वजह होती है कि जो आपके जो कबाब होते हैं वो नहीं टूटते। उसके अलावा मसाला जो है जिस तरह से तरीके से आपको बताया है वीडियो में, इस तरह से ही आप लोगों ने मसाला, खड़ा खड़ा मसाला जो है ये डालना है। ये देखिए अभी भी ऊपर आपको खड़ा मसाला नज़र आ रहा है, यही इसका जो रियल टेस्ट होता है कबाब के अंदर, यही लगता है मज़े का। और आप लोगों को रेसिपी जो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट भी इसी तरह की जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़ में लाया करूँगी, जो आसान, और मेरी खुशी होती है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर चीज़ समझाऊँ, ताकि आपको हर चीज़ जो है अच्छे से समझ आ जाए। वो आई होप आप लोगों को रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। और बच्चों के साथ जो है फ़ोन सेट करना बहुत मुश्किल होता है, 10 दफ़ा ये मेरा फ़ोन गिरा चुकी है वीडियो बनाते हुए, और मैं इसको इसलिए पकड़ के खड़ी हो गई हूँ कि नहीं तुमने नहीं उतरना नीचे, नहीं मेरे फ़ोन को गिराना बार बार, किससे पहले ये टूट जाए मेरा फ़ोन। ठीक है जी, तो आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं
वो लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को, जो पुराने देखने वाले हैं वो वीडियो को लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगती है, अच्छी भी लगती है बुरी भी लगती है मुझे लाजमी बताया करें। अच्छी लगती है तो बंदा खुश होता है, बुरी लगती है तो बंदा कोशिश करता है कि यार आने वाली वीडियो में मजीद अच्छी आप लोगों के लिए रेसिपी लाई जाए। इंशाल्लाह मिलती हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।